तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि 10 फीट लंबाई और बिल्डिंग का हाइट है 11 फीट, दोस्तों इसमें किस तरह से स्टेयरकेस बनाया जा सकता है, इसका राइजर कितना आएगा, ट्रेड कितना बनेगा, लैंडिंग कितने में होगा, राइजर का साइज क्या रहेगा, ट्रेड का साइज क्या रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया नया वीडियो आपके पास पहला आता रहेगा। दोस्तों, इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग साइज का, तो इस वीडियो में लास्ट में एक एंड स्क्रीन आएगा, वहां पे वीडियो का लिंक लगा दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 फीट लंबाई है और 9 फीट बिल्डिंग का हाइट है। दोस्तों, इसमें तो डायरेक्ट तो स्लाब में नहीं जाता है, तो मिडिल में हमने एक लैंडिंग दिया है जो कि इस तरह से जाएगा और इस तरह से फिर स्लाब में आएगा। दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, दोस्तों यहाँ पे जो 9 फीट हाइट है टोटल है, जीरो से लेके बिल्डिंग का छत तक 9 फीट है। तो 9 फीट को कैसे हमने राइजर निकालेंगे उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 को 12 में गुना किया है, जो कि 1 फीट का मतलब 12 इंच, तो 12 में गुना किया है। दोस्तों, मेरा वीडियो इस तरह का रहता है क्योंकि हम स्टेयरकेस तो जब बनाओगे तो वहां पे आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, सेम इसी तरह का वीडियो होता है लेकिन अलग अलग साइज होता है। तो दोस्तों, आपको जिन साइज में आपको देखना है वही वीडियो देखिए। तो देखिए, यहाँ पे 9 को 12 में गुना करने से 108 इंच हो रहा है। तो 108 इंच से आप क्या करना, इसका जो आप राइजर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 6 इंची लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 6 इंची लिया है, तो 108 इंच को 6 इंची भाग करने से 18 राइजर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 18 राइजर हो रहा है और ये है राइजर का साइज। ठीक है दोस्तों, टोटल जीरो से लेके स्लाब तक आपका 18 राइजर हो गया है, 6 इंची इसका साइज है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर से इधर तक 4.5 फीट हो रहा है, तो एक स्टेप का हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल इसी तरह से कैलकुलेट होगा, 4 फीट 6 इंच को 12 में गुना करेंगे जो कि है 54 इंच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 54 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जब राइजर 6 इंच निकाले थे तो 6 इंच यहाँ पे भाग करेंगे, 54 इंची से 6 इंची भाग करने से 9 राइजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 9 राइजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 18 राइजर हो रहा था, तो इसको भाग करने से यहाँ पे भी 9 राइजर हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोस्तों 9 राइजर हो गया। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों ट्रेड, ये तो हो गया है राइजर। तो देखिए, यहाँ पे लंबाई है 10 फीट, तो 10 फीट को 12 में गुना करेंगे तो 120 इंच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 120 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जब लैंडिंग देंगे तो 32 इंच देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 120 इंच से 32 इंच माइनस कर देंगे, तो 120 इंच से 32 इंच माइनस करने से 88 इंच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 88 इंच को हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रेड देंगे 11 इंच देंगे दोस्तों, तो 88 इंच से 11 इंच माइनस कर देने से 8 ट्रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 8 ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रेड हो रहा है और ऊपर लैंडिंग आ रहा है। यहाँ पे 9 राइजर हुआ है और एक कम ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जब स्टार्टिंग होता है तो राइजर होता है, लास्ट भी होता है तो राइजर होता है, तो इसीलिए राइजर एक होता है और लैंडिंग आ जाता है बाद में, तो इसीलिए ट्रेड एक कम होता है। तो सेम इसी तरह से ऊपर भी कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।